तो आज जो मैं चीज़ लाया हूँ अनबॉक्स करने की, ये मिनी वायरलेस कीबोर्ड है। तो ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और ये 1000 रुपीज़ में सबसे अच्छा कीबोर्ड जो मुझे लगता है। तो देख लेते हैं ये कैसा है। तो जब हम खोलेंगे तो इसको कुछ ऐसा दिखेगा, इसके अंदर से ये निकलेगा, ये इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये है, इसमें डिटेल्स हैं, पोर्टेबल एलिगेंट एंड लाइफस्टाइल चल। अच्छा, ये तो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको व्हाइट में ऑर्डर किया था लेकिन ये ब्लैक में आ गया है। तो दिस मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन जिससे मैंने मंगवाया उनको देखना चाहिए। तो इसमें जो है बैक लाइट भी है शायद, मतलब इसमें शायद बैक लाइट भी है। तो इसके अभी हम गेम प्ले भी करेंगे इसके बाद। ये एंड्रॉयड एंड्रॉयड टीवी के साथ, एंड्रॉयड की चीज़ें स्मार्ट टीवी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, और पीसी नोटबुक्स और नेटबुक्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तो हम देख लेते हैं, इसको हम खोल लिया, ये खोल लिया हमने इसका ये बॉक्स तो निकाल दिया हमने। और अब ये है, इसमें ये हमारा कीबोर्ड है, और ये रही हमारी इसकी चार्जिंग केबल, क्योंकि इसमें शायद है चार्जिंग होगी। हाँ, चार्जिंग। और ये इसके पेपर गाइड्स हैं, कुछ पढ़ना तो है नहीं। ये इसमें पावर ऑन है, वाह, इसमें लाइट्स हैं, पहले से लाइट्स हैं, लाइट चली हुई है पहले से ही। तो इसकी हम अभी गेम प्ले भी करेंगे, ये काफ़ी अच्छा है। और ये इसकी केबल है, चार्ज वाली केबल यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे लगेगी, अगर देख पा रहे हैं क्या फोकस। जी हाँ जी, ये है। चलो इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इसकी गेम प्ले करते हैं लैपटॉप पे, इसकी गेम प्ले करते हैं। तो चल गेम प्ले की तरफ चलते हैं। चलो तो हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे अपनी गेम लगा दी। अभी हम हिल क्लाइंब रेसिंग और सोनिक डैश खेलेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे, हम इसको खेल रहे हैं, इसके एरो, इसकी टच पर भी, और इसका लाइट कलर चेंज भी है जो मैं इस वाली गेम प्ले के बाद दिखाऊंगा। ये हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं अपनी वैन में। ये वैन सबसे वैसे अच्छी है, ये हिल क्लाइंब रेसिंग में सबसे अच्छी वैन लगती है। पहले मैं सोचा था कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन फिर मैं सोचा वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी और उसमें टाइम भी काफ़ी जाएगा, फिर वीडियो लेट आएगी। वैसे ही काफ़ी जल्दी जल्दी अब मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब असल में मुझे टाइम नहीं ना मिलता, क्योंकि स्कूल भी करना होता है, ऑनलाइन क्लासेस 1 बजे तक चलती हैं, फिर मेरे टीचर जो होमवर्क देती हैं तो वो करते करते शाम हो जाती है, फिर शाम में खेलो और फिर बस ये टाइम ख़त्म। चल जा प्लीज, चल जा मेरी प्यारी। ओह माय गॉड, नहीं, चलो बस सही। ओह माय गॉड, कैमरे में सही तो आ रही है ना। हाँ भाई, अंजे पंजे टूट गया मेरे इसका। ओह माय गॉड, ओह भाई गया, चलो लगा ही थक गया। चलो अब नई सोनिक डैश लगाते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पे अपनी ये लगा दी है, सोनिक डैश लगा दी है। तो अभी पहले मैं इसके कलर शिफ्ट करके दिखाता हूँ, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। ये येलो, ये रेड, येलो, ऐसे करके कलर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस वक्त रेड से ही लग रहा है क्योंकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, रेड ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इसलिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और ये इसके ऊपर ये टच बार भी है, ये बहुत अच्छा है कीबोर्ड है, 1000 रुपीज़ में आई थिंक द बेस्ट कीबोर्ड है। चल स्टार्ट करते हैं, हम ब्लेज लेंगे। चलो भाई चलो, ये उई है, उई है। सोने डैश हमने बहुत ही अच्छी खेली है, देखिए
इससे मैं एक ही बार खेली है शायद, नहीं एक बार भी नहीं खेली मैंने, बस आया ही आज है तो मैंने खेली कैसे है ना। ठीक है बेटी है ना, और मैं एक चैलेंज भी करने लगा हूँ जिस ये इसी कीबोर्ड और सोनिक डैश के रिलेटेड ही होने वाला है, जो मैं ना पूरे इसमें कैमरे की तरफ देखकर करने वाला हूँ, सोनिक डैश खेलने वाला हूँ। और अगर मैं लगा मतलब के कहीं भी अगर मैं आउट हुआ तो मुझे मैं ना पूरे एक तीन दिन जो है ना रेगुलर अपलोड करनी पड़ेगी। डैश मीटर कहाँ से जाना है? ओह अच्छा, सही सही बटन दबा दिया, अच्छे टाइप पे स्पेस बार थी। असल में मेरे लैपटॉप में इसमें टच स्क्रीन है ना, मैं तो उसी से खेलता था, टच स्क्रीन से खेलता था, मैं ना कीबोर्ड से बहुत कम खेलता था। ओह गया, मैं बातों में लग गया। चलो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे और ऐसी वीडियो में अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।